हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोटेशन प्लस। सो गाइज, देखिए मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट ईयर MBBS के लिए वीडियोस लेके आऊँगा। सो गाइज, ये फर्स्ट ईयर MBBS के लिए वीडियो है। अगर कोई UG का बच्चा देख रहा है तो आप ज़रूर देखिए पूरा फर्स्ट ईयर MBBS वाले जो नीट 2019 क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में आए। सो गाइज, लेट्स हैव एन इंट्रोडक्टरी सेशन फर्स्ट। माई सेल्फ सौरभ शर्मा, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब आप पूछो कि भैया आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो आप क्या हमारे इमीडिएट सीनियर हुए? गाइज, आई एम योर, मतलब आपके इमीडिएट का इमीडिएट सीनियर। ओके, आपके इमीडिएट का इमीडिएट सीनियर, क्योंकि आपके इमीडिएट सीनियर्स अभी अभी अपना फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो आपको बेसिकली क्या जानना है MBBS में? MBBS में प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, चार प्रोफेशनल एग्जाम होंगे, चार प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है, प्रोफेशनल मतलब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और उसको छोड़ के सेमेस्टर तो होंगे। और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं, और ओवरऑल इंडिया में करिकुलम भी 9 सेमेस्टर का, एक्सेप्ट फ्यू इंस्टीट्यूशंस, आप उनको लिए छोड़िए अभी। अब गाइज, जैसा कि आपने देखा है कि लिखा है मैंने, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है सिलेबस में। तो देखो यार, पहली बात तो ये, सिलेबस सिर्फ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री नहीं है। इसके साथ एक और छोटा सा चीज ऐड हुआ है, उसको आप एटकॉम बोल सकते हो। क्या है वो? वो है एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, एटकॉम। अब आप बोलोगे ये क्या भैया, इसमें मेरे को थ्योरी लिखनी पड़ेगी? नहीं, ये आपके एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, आपके एथिक्स, जो मेडिकल एथिक्स होते हैं डॉक्टर के, वो आपको सिखाया जाएगा। मतलब बेसिकली एक 30-40 घंटे का एक इंटरेक्टिव सेशन होगा आपके साथ। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप डॉक्टर बनने का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि देखिए यार, मैं एक बात बता रहा हूँ, इंडिया में मेडिकल एथिक्स कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहे हैं। तो यार, उनके लिए सब स्टूडेंट के लिए लाया जा रहा है अब से, तो सबको करना पड़ेगा। अभी 34 आवर्स का प्लान हुआ है, MCI ने प्लान किया है। पहले तो हम इसके बारे में बात करें, उसके बाद एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सब वो सब बता देंगे। लेकिन ये वाला चीज़ ना थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। तो एटीट्यूड, क्या पेशेंट के सामने आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? मतलब आपको पता रखना चाहिए कि हु इज़ अ डॉक्टर, और डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जो पेशेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करें। तो क्या सीखेंगे हम इसमें? 5 वॉल्यूम में सिखाया जाएगा आपको, डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में अलग अलग तरीके से, बट MCI का करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें आपको आपके टीचर्स बताएंगे कि पेशेंट और डॉक्टर का क्या कम्युनिकेशन होता है, कैसे बातचीत होती है, फिर आपके एथिक्स बताए जाएंगे, फिर मेन चीज़ क्या बताई जाएगी पता है? मेन चीज़ बताई जाएगी दैट कैडेवर इज़ योर फर्स्ट टीचर। मतलब अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, आपको यकीन नहीं होगा, अलग अलग विदेश में कैडेवर्स को ना पहले पूजा किया जाता है, मतलब जाके उनके पांव छुए जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या इंडिया में होता है पांव छूना? मतलब जाके इधर प्रे किया जाता है पहले कैडवर के सामने, समझ आया? तो आप भी अगर डिसेक्शन हॉल में घुसो, पहला डिसेक्शन, मतलब कैडवर का मतलब क्या होता है? अब आप पूछ सकते हो भैया कैडवर, अरे जो डेड बॉडीज लाते हैं ना, उनको रखा जाता है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बहुत दिन, उसमें आप एम्बामिंग करके। अभी आपको नहीं जानना है, आपको सिर्फ जानना है जब आप मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डे पे जाओगे, आप कैडेवर देखोगे, एनाटॉमी का डिसेक्शन हॉल देखोगे, ये सब के बारे में। अब यार आ जाते हैं हम एकदम सीधा सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, पहला क्या है? एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। मैं स्टार्ट करता हूँ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री यार बचपन से हम पढ़ते आ रहे, वही चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे, सेल, उसके अंदर थोड़ा कैंसर आएगा, थोड़ा सा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? उसमें आएगा हार्मोन, हार्मोन का टाइप, फिर आएगा फैट, ये वो, ग्लूकोज, ये वो, यही पूरा बॉडी का बायोकेमिस्ट्री, बोले ना केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का फ्यूजन, वही पढ़ना है भैया, और कुछ नहीं। अब आप बोलेंगे भैया बुक कौन सी रिकमेंड करोगे? आपके भैया टीचर से सब बुक्स लेके आए हैं कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके भैया ने भी कुछ गलती की है, तो वो गलती फर्स्ट ईयर में गलती आप ना करो, उसके लिए भी वीडियोज आएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बस उतना सा करना है, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है। मेडिकल कॉलेज के अगर हो आप बंदे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, अगर नहीं हो, जाने वाले तो हो ना, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, हम लोग एक साथ मिलके डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैं कर रहा हूँ यार मिस्टर मेडिको, आप जाइए, जाके जितने सोशल मीडिया के लिंक है आप जुड़ जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं कहीं आप भी नीट वाले बच्चों की हेल्प कर दोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना यार, हेल्प करनी तो अच्छी बात है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करता हूँ, मैं क्या बोला था, बायोकेमिस्ट्री। तो यार बायोकेमिस्ट्री की मैं किताब दिखाऊं, डरना नहीं है, डरने का नहीं है। ठीक है, तो यार अब हम देखते हैं, सिर्फ किताबें देखेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ये सत्यनारायण का है, बहुत सारे, मतलब अच्छा बुक है ये अगर आपको MBBS पास होना है तो आप समझना ईजी वे से, सत्यनारायण, वासुदेवन बहुत मिलते हैं। मैं अगले वीडियो में रिकमेंडेशन वाली बुक्स लेके आऊँगा।
आपका सत्यनारायण हो गया। देखिए यार बुक्स तो बहुत है लेकिन मैं चाहता हूँ आपको दिखा दूँ, लेकिन फिर आप बोलोगे ये भैया की बुक थी। आप लोगों नाम सुना होगा, अगर आप कोरा पे या कहीं पे हो एक्टिव, क्या लिखा है इधर, हार्पर लिखा है ना, हार्पर, ये भी बायोकेमिस्ट्री की है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस बुक क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लाइब्रेरी का क्या यूज होना चाहिए। सबके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है बस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ये काम करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे। ठीक है चलिए, अब मैं क्या दिखाया, मैं आपको दिखाया बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में तो इतना ही है, मतलब बायोकेमिस्ट्री में क्या है, प्रैक्टिकल करने और थ्योरी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, बहुत मजेदार है ना एनाटॉमी, इसीलिए आइए हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी में बच्चे अलग अलग किताब पढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं आपका इमीडिएट का इमीडिएट सीनियर हूँ, सो गाइज आप ट्रस्ट कर सकते हो जो मैं बुक बताने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ बुक दिखा रहा हूँ कि फिजियोलॉजी का बुक कैसा होता है, देख लो इतना ही मोटा होता है, फिजियोलॉजी बहुत पढ़ना पड़ता है भैया। बुक ऐसा दिख रही है, क्या है ये, महापात्रा है, लेकिन मैं आपको एक और बुक दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि भैया ने ऐसा सिर्फ एक ही बुक बोल रहे। अभी मैं बुक कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चैप्टर से रूबरू, ये देख रहे हैं कितना मोटापा है इसका, इसमें बुक में नाम क्या लिखा है, गाइटन, देख पा रहे हैं गाइटन एंड ऑल। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा, अभी कोई किताब मत खरीदना, अभी कोई किताब मत खरीदना, अगर आप सीनियर से पूछ के अपने कॉलेज वाले से खरीद रहे हो अलग बात है, मैं भी आपका सीनियर हूँ, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। फिजियोलॉजी खत्म, अब क्या आएगा, एनाटॉमी। तो यार ये एनाटॉमी है ना, सबकी वाट एनाटॉमी लगाती है, सही बात बता रहा हूँ, मतलब इतने में इतना है, और इतना भी नहीं बोलूंगा मैं, इतने में इतना बहुत है। ठीक है, आओ एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी सबसे पहले भैया जनरल एनाटॉमी, क्या बोला, जनरल एनाटॉमी। ठीक है, अभी बुक एकदम रिकमेंड नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ जनरल एनाटॉमी एक टॉपिक है, ओके, उसके लिए एक किताब हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एम्ब्रायोलॉजी, क्या बात किया मैंने, एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी के लिए एक किताब हो गई। ठीक है, अभी आप खाली देखना एनाटॉमी का, आप भी बोलोगे यार भैया क्या कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो, ओहो इधर हिस्टोलॉजी की तो नहीं है, हिस्टोलॉजी मैं मंगवाऊं क्या, हिस्टोलॉजी भी दिखवाता हूँ, हिस्टोलॉजी की आईबी सिंह की, कहाँ गई हमारी आईबी सिंह, हमारी आईबी सिंह तो यहाँ नहीं है, रुकिए हम देखते हैं, वहां अगर आईबी सिंह हुई तो हम लोग देख लेंगे। अभी हम क्या बात करते हैं एनाटॉमी, अभी हम क्या बात कर रहे हैं एनाटॉमी का, आप मेन ह्यूमन एनाटॉमी, मैं वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको, वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में बिक रहा है, देखिएगा जरा ह्यूमन का हिस्टो आपका हिस्टोलॉजी का, एक सेकेंड। तो जैसा कि मैं बोल रहा था हिस्टोलॉजी, यार वीडियो के में ब्रेक लगाना पड़ा, बहुत किताबें हैं, एनाटॉमी का ही पार्ट है हिस्टोलॉजी, सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है ये, और एम्ब्रायोलॉजी, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे लेकिन बेसिक बनाने के लिए जानना पड़ेगा। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखता है सेल, उसके बारे में है, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये सब सबके बारे में देखना पड़ेगा, लिवर हो गया, किडनी हो गई। ठीक है चलिए, तो ये गया हिस्टोलॉजी, टिंग टिंग, चलिए गया हिस्टो, अब क्या बचा एनाटॉमी के, एनाटॉमी का रेड बुक बोलते हैं, रेड बाइबल बोलते हैं, टोटल 4 वॉल्यूम में है अलग अलग, जैसे अपर लिम्ब थोरैक्स हो गया वॉल्यूम 1, फिर आपके क्या हो गया वॉल्यूम 4 है ब्रेन और न्यूरो एनाटॉमी, वॉल्यूम 3 इज एब्डोमेन, क्या लिखा है एब्डोमेन ही है ना, लोअर लिम्ब एब्डोमेन, और वॉल्यूम 2 मैंने आपको दिखाया था क्या था, हेड एंड नेक था। यार इतने सारे पढ़ने पड़ते हैं, ये सिर्फ एनाटॉमी के थे। ठीक है, तो आप सोच के देखो आपको कितने किताब पढ़ने पड़े, अगर मैं आपको जिस्ट दिखाऊं तो, मैं दिखाऊं क्या, एक सेकेंड, हमसे तो उठता भी नहीं है, इतना भारी है, हमसे तो उठ रहा ही नहीं है, कितना होगा, एक फोटो हो जाएगा, आप देख सकते हो, अगर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो @MrMedico पे जरूर भेजना। ठीक है, हाँ ये देखते हैं कितने हो गए, कितने हो गए, इतना एक फ्रेम में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, हाँ ओके, सो गाइस देख रहे हो तुम्हारा नीट से ज्यादा किताब हो गया शायद। ठीक है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना पढ़ना ही पड़ेगा, ओके, सो गाइज स्टे ट्यून्ड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुक का रिकमेंडेशन लेके आएंगे, आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हॉस्टल कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप्स सबके बारे में डिस्कस होगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको मोटिवेशन मिला हो नीट वालों कि आपको भी अगले साल जाना है मेडिकल कॉलेज तो भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नीट के लिए भी वीडियोज आएंगी, और मैं चाहता हूँ यार फर्स्ट ईयर मेडिकल वाले जो जो हैं सब इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएं, आप सबकी हेल्प चाहिए हमें कुछ और बड़ा करने के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।